आप एमएलए जनरल सिंह हैज एलीड दैट द बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस आर ट्राइंग टू वॉश ऑफ द स्टेंस ऑफ द 1984 एंटी सिख रायट्स यह कहीं ना कहीं एक आशंका है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी मिल गई है कि आप 2002 के जो गुजरात में हुआ उन मामलों को बंद कर लो हम कुछ नहीं बोलेंगे और आप हमारे 1984 के मामले जो हैं उसमें भी आप कुछ ना बोले और हमें उनको बंद कर लेने दें चाहे वो मालेगांव का मामला हो तो वकील साहब को कहा जाता है कि इस मामले में आप चुप रहो और कांग्रेस रहस्य में ही चुप्पी साध रही है और कांग्रेस उसको इशू नहीं बना रही है इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी मिलकर अपने दंगों के दाग धोना चाह रहे हैं ये अभिषेक वर्मा का एफिडेविट है जिस जिसके अंदर वो अभिषेक वर्मा कह रहे हैं कि जगदीश टाइटलर ने जो उनके खिलाफ मेन विटनेस थे सुरेंद्र सिंह ग्रंथी उनके बेटे को नरिंदर सिंह को कनाडा भिजवाया और कनाडा भिजवाने में अभिषेक वर्मा ने साथ दिया और उसने बताया कि मेरी एटलस कंपनी के थ्रू जगदीश टाइटलर ने नरेंद्र सिंह को कनाडा भिजवाया और पचास हजार डॉलर भेजे गए एक करोड़ रुपया सुरेंद्र सिंह ग्रंथी और उसके बेटे नरेंद्र सिंह को पहुंचाया गया ताकि वो अपना बयान बदल दें और ये सच्चाई है कि जिस रंगनाथ मिश्रा आयोग को सुरेंद्र सिंह ग्रंथी ने यह बयान दिया था कि जगदीश टाइटर भीड़ को लीड कर रहा था उन्होंने बाद में अपना बयान बदल लिया इससे ये साफ जाहिर होता है कि गवाह को लालच दिया गया गवाह को डराया धमकाया गया और हवाला ट्रांजैक्शन हुई है पाँच करोड़ रुपए बाहर भेजे गए हैं और ये भी बात जो है खुद अभिषेक वर्मा अपने एफिडेविट में दे रहा है कि ये काम जगदीश टाइटलर ने किया अगर देखें तो दो केस और बनते हैं जगदीश टाइटलर के खिलाफ एक हवाला ट्रांजैक्शन का दूसरा गवाह को प्रभावित करने का और ये अपनी आईपीसी के सेक्शन 193 और सेक्शन 195 ए दो केस और होने चाहिए थे लेकिन मोदी गवर्नमेंट और सीबीआई न केवल इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज करने को राजी है बल्कि जो मामला टाइटलर के खिलाफ चल रहा था पुल बंगश गुरुद्वारे का जिसमें तीन लोग मारे गए थे जिसमें एक सेवादार था बादल सिंह उस मामले को भी सीबीआई बंद करने जा रही है लेकिन शर्मनाक विषय यह है कि श्रोमणी अकाली दल जो सिखों की बात करता है उसकी कैबिनेट मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल कैबिनेट में है लेकिन सीबीआई क्लीन चिट दे रही है जगदीश टाइटलर को लेकिन वो इसके बारे में नहीं बोल रहे हमारी मांग है कि अगर श्रोमी अकाली दल भी इसमें सीरियस है तो हरसिमरत कौर बादल को इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए और इस उनके गठन से बाहर आ जाना चाहिए पावर्ड बाई एन